पुलिस और JJMP उग्रवादियों के बीच हुए मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के असिस्टेंट कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए। सूचना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोग मेडिकल अस्पताल पहुंचे। पुलिस के कई आला अधिकारियों ने परिजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया। बुधवार को झारखंड जगुआर के टेंडर ग्राम स्थित मुख्यालय में राजेश कुमार को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीद कमांडेंट बिहार के मुंगेर जिले के लाल दरवाजा गाँव के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम लाल बहादुर राय है। राजेश कुमार ने 12 नवंबर 2007 को BSF की नौकरी ज्वाइन की थी। 7 सितंबर 2018 को उन्होंने झारखंड जगुआर में योगदान दिया था। मंगलवार को पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी कि लातेहार के सलैया जंगल में JJMP के उग्रवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के इरादे से जमा हो रहे हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस और झारखंड जगुआर के एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम सर्च ऑपरेशन पर निकली थी। इसी दौरान पुलिस को देखते ही उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ में असिस्टेंट कमांडेंट राजेश को गोली लगी थी। उन्हें गंभीर हालत में एयरलिफ्ट कर इलाज के लिए रांची लाया गया था। रांची के मेडिकल अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में दोनों ओर से ताबड़तोड़ गोलियां चली थी, जिसमें एक उग्रवादी भी ढेर हो गया। मुठभेड़ स्थल से पुलिस को एक AK-47 समेत कई सामान मिले हैं। कोहराम लाइव के लिए राजेश सिंह और रूपम की रिपोर्ट।